सलमान खान स्टारर अली अब्बास जफर की अगली फिल्म भारत काफी बड़े लेवल पर बन रही है। कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि फिल्म में सलमान के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा को फाइनल किया जा रहा है, लेकिन अब न्यू अपडेट आई है कि फिल्म में एक नहीं बल्कि दो एक्ट्रेसेस होंगी। प्रियंका के अलावा भारत के लिए श्रद्धा कपूर को भी अप्रोच किया जा रहा है। अगर श्रद्धा फिल्म के लिए हाँ कर देती हैं, तो बड़ी स्क्रीन पर फैंस को पहली बार श्रद्धा कपूर और सलमान खान की जोड़ी दिखाई देगी, जबकि प्रियंका के साथ भी सलमान खान लगभग 10 सालों के बाद नजर आने वाले हैं। फिलहाल श्रद्धा के पास पहले से ही 5 फिल्में हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो सलमान की फिल्म को हाँ करती हैं या ना। कहानी की बात करें तो भारत 70 सालों में बंधी कहानी है, लिहाजा कई हिस्ट्री इंसिडेंट्स को इसमें जोड़ा गया है। अली अब्बास जफर ने एक वेबसाइट में बात करते हुए बताया भी है कि फिल्म में भारत की आज़ादी की कहानी होगी। फिल्म में भारत का बंटवारा दिखाया जाएगा, जिसकी शूटिंग पंजाब में की जाएगी। पिछले 3 महीनों से फिल्म के लोकेशन पर रिसर्च चल रही है। वही प्रियंका भी इस फिल्म के लिए डबल फीस की डिमांड कर रही हैं। ऐसे में देखते हैं कि सलमान के अपोजिट फाइनली कौन सी दो एक्ट्रेसेस फाइनल होती हैं। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड की हर अपडेट के लिए देखते रहें NMF न्यूज़।